हेलो मेरा फैमिली, कैसे हो? तो यार आज के लिए मतलब आपके लिए लेके आया हूँ एक स्टैंड बाय मी 2 का काफी मतलब यार पूछा जाने वाला सवाल और काफी मतलब इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है जिनको इस बारे में पता ही नहीं है बिल्कुल। हाँ यार, मतलब आपको कुछ इस बारे में पता ही नहीं है कि सेंसरशिप होके क्या इंडिया में मूवी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर आएगी तो क्या इसके मेन सीन्स डिलीट हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है और भी अदर अपडेट्स हैं आपके लिए, जैसे डोरेमोन की और शिनचैन की कुछ मूवी से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा और अलग से इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को तो एंड तक जरूर से देखना ही। तो और कोई टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चले यार हमारी कमाल की वीडियो को, तो चले यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यार थोड़ी मतलब यार मूवी वगैरह के बारे में। आपको बता देता हूँ यार, शिनचैन की कुछ मूवी आ रही है, तो सबसे पहले आता आप वो सुन लो। तो सबसे पहले तो आएगी 30 अप्रैल को, यानी 30 अप्रैल को 12:30 बजे आने वाली हंगामा चैनल पे, जो कि है शिनचैन मूवी डार्क तामा तामा। और उसके बाद है द गोल्डन स्वॉर्ड, हाँ यार शिनचैन की फिर से 12:30 बजे आएगी। तो ये 29 अप्रैल को आने वाली है शिनचैन द मूवी द गोल्डन स्वॉर्ड। और उसके बाद हाँ यार बस ये अभी फिलहाल तो यही दो मूवी आई है। और यार आज भी डिज्नी चैनल पे मूवी आई है तूफानी एडवेंचर, सॉरी हंगामे पे आई है, तो होप आपने उसे भी शायद एंजॉय किया ही होगा। तो अब बढ़ लेते हैं हमारी स्टैंड बाय मी 2 की सेंसरशिप की तरफ। मतलब यार क्या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है भाई, यही सवाल है। और सबसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इंडिया में कभी आएगी ही नहीं स्टैंड बाय मी 2, क्योंकि उसका उसमें एक वेडिंग सीन है जो कि इंडिया में सेंसरशिप किया जा सकता है। और यार अब इस बारे में मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो ये कहने कहीं ना कहीं सही भी है। और यार सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता ही है इंडिया में बहुत सी चीज़ें सेंसर कर दी जाती है, जैसे कि शिनचैन के एपिसोड का आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। यार शिनचैन मतलब हर छोटा से छोटा सीन सेंसर मतलब यार सेंसर कर देते हैं, पता नहीं क्या है। और बस यार छोटी मोटी शिनचैन की चड्डी वड्डी जो भी है यार, अब उसे जो समझो उसे भी यार मतलब सेंसर कर दिया जाता है यार। उसमें क्या पता नहीं मतलब कुछ भी सेंसर कर देते हैं और इसे कुछ भी मान लिया जाता है। तो यार एक इनके लिए वेडिंग सीन तो काफ़ी बड़ा वो रहने वाला है, मतलब यार कि इन्हें सेंसर इसे करना पड़े, और इसके कारण से मूवी के काफ़ी ज़्यादा सीन्स डिलीट हो जाएंगे। और अगर मेन सीन मतलब यार वेडिंग सीन ही अगर उसमें से सेंसरशिप करके हटा देंगे या ब्लर कर देंगे, पूरी मूवी बेकार और पूरी मूवी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है जिन्होंने अभी तक मूवी देखी नहीं है। और यार सभी तो आखिर मूवी नहीं, किसी मतलब यार बहुत लोगों ने तो मूवी देखी नहीं होगी, बहुत क्या मतलब यार बहुतों ने जो कि सिर्फ टीवी पे आने का इंतजार ही करने वाले हैं, तो यार उनके लिए तो बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाने वाली है। लेकिन यार मैं उम्मीद यही करता हूँ कि विदाउट सेंसरशिप कोई भी मतलब यार स्टैंड बाय मी 2 आए तभी इस मूवी का कुछ रहने वाला है मतलब। और अब इतना तो पता चल ही गया डिज्नी स्टैंड बाय मी 2 को लाने पे काम कर रहा है, लेकिन यार प्लीज उसे सेंसर ना करे तो ही अच्छा है। और मेरे ओपिनियन में मैं कहूँ तो उसे सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए। और अगर बात करें डिज्नी इंडिया क्या इसे सच में करेगा सेंसरशिप, तो हाँ यार इसका आंसर है नहीं, नहीं करेगा। उसे भी पता है यार मूवी काफ़ी मतलब यार इतनी अच्छी मूवी है और ओवर हाइप मूवी है, और इसे इंडिया में लाने के बाद उनकी कहाँ अर्निंग जाने वाली है। लेकिन यार अगर रिव्यू के बारे में बात करें तो यार रिव्यू बहुत बेकार मिलेंगे उसको, इसलिए यार उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उसको चुपचाप से हमें पूरी मूवी दिखानी पड़ेगी तभी उसका कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो सीधे सीधे भाषा में बोलूँ तो इसका आंसर यार नो, नहीं आएगी यार, विदाउट सेंसरशिप वाली मूवी ही आएगी इंडिया में। और यार बस वेट करो, और यार बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर यार इसके बाद भी डिज्नी ने सेंसरशिप वाली मूवी निकाल दी तो बस मैं तो भाई मेरा भरोसा ही उठ जाएगा पूरा डोरेमोन की मूवी से। वैसे ऐसा नहीं होने वाला है, मेरा डिज्नी से भरोसा उठेगा, डोरेमोन पे तो यार हमेशा से ही मतलब यार ये कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, हमेशा ही प्यारा है डोरेमोन। लेकिन आप कमेंट में बताओ क्या आपको लगता है सेंसरशिप वाली मूवी आएगी या नॉट सेंसरशिप वाली मूवी, सब कुछ बताओ लेकिन कमेंट में बताओ यार, कमेंट में। हाँ यार सब कुछ बताओ, सबको मैं रिप्लाई भी करूंगा, और जो आपका सवाल है वो भी आप कमेंट में ही पूछ सकते हो। लेकिन फिलहाल तो वीडियो यहीं तक की थी, और थोड़ी सी छोटी थी लेकिन आपके लिए थी भाई, इन्फॉर्मेटिव थी। इसलिए वीडियो को लाइक करना बनता ही है, अगर चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस कुछ नहीं यार, चलूंगा आज की वीडियो से, तो आज की वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून गाइस। Thanks for watching the video.